Hello and assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Imran Saleh, CEO of Farmers Cheesemaking. मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है। मैं इस पर तो नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मैं इस पर ज़रूर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये जो ईरा है हमारा, जिस वक्त हम मौजूद हैं, जिस ईरा में से हम गुजर रहे हैं, ये अब हेल्थ कॉन्शियस ईरा है। इसमें आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। उसकी वजह यह है कि बकौल बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स के और बहुत सारे लोगों के, हम लोग वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, उनके मुताबिक आपको अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है, अपनी खुराक को बहुत अच्छा रखना है, इसलिए कि आपका इम्यून सिस्टम बिल्ट अप हो। आपका अच्छा इम्यून सिस्टम है तो कोई वायरस आपको कुछ नहीं कह सकेगा। आपका कमज़ोर इम्यून सिस्टम है तो कोई भी बीमारी आपका अटैक कर सकती है, वो वायरस भी कर सकता है, और वायरस ना हो तो कोई भी बीमारी कर सकती है। इंसान इस बहरहाल पेरिशेबल, लेकिन इस वक्त जो काम है वो है सर्वाइवल का। तो सजनों, मित्रों, बेलियो, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल, इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप खुराक खाएं, कोशिश करें कि नॉन प्रोसेस खाएं, चाहे वो घी की सूरत में हो आप देसी घी खाएं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो आपकी आइसक्रीम्स हों, या आपकी कोई भी कॉफ़ी बेवरेजेस, ये जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं ना, जो ये कोक, पेप्सी और दूसरी किस्म के ड्रिंक्स, इनमें वाइट शुगर बहुत ज़्यादा होती है, ये वैसे ही आपके इम्यून सिस्टम डाउन करता है। तो लिहाजा आपको इनसे जो पैक्ड जूसेस आते हैं, उनसे जो पैक्ड दूध आते हैं, जो पैक्ड क्रीम्स आती हैं, जो भी पैकिंग में आती है जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिसमें एडिटिव्स हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे नास्टी एलिमेंट्स हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, वो चाहे कोरोना वायरस पेंडेमिक हो या ना हो, वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इफेक्ट क्या करना है, आपके लिवर्स पर इफेक्ट करना है, आपके लंग्स पर इफेक्ट करना है, आपके हार्ट के लिए इशूज़ पैदा कर देने हैं, आपके स्टमक के इशूज़ पैदा कर देने हैं, या कोई भी ऐसे इशूज़ पैदा कर देने हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो ये जो ईरा है, ये हेल्थ का ईरा है, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। मेरा सब्जेक्ट चीज़ है, मैं आपको चीज़ के बारे में अवेयर करना वाला बंदा हूँ, मैं आपको चीज़ के बारे में अवेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रोडक्ट है। देखें, आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, बच्चे फ़ोन करेंगे, प्रोडक्ट्स मंगा लेंगे यहाँ से वहाँ से, तो आप ये देखें कि जब आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, खाते हैं, तो सिर्फ जायके पर मत जाएँ। आप ये देखें कि जो आप खा रहे हैं उसके कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, या आप जंक खा के अपने इम्यून सिस्टम को डाउन कर रहे हैं। खुदा ना खासा कोई इशू आए तो आपकी बॉडी फाइट करने के काबिल नहीं है, ऐसा तो नहीं है, इस पर आप गौर करें। देखिए, पाकिस्तान में आप तीन टाइप की चीज़ बनती हैं लोकली, सोए फार्मर चीज़ के, क्योंकि फार्मर चीज़ हम लोग नॉन प्रोसेस आर्टिजनल चीज़ बनाते हैं, लेकिन टिपिकली पाकिस्तान में जो तो तीन टाइप की चीज़ बनती हैं, उसमें नंबर वन मोजरेला, चेडर और कॉटेज चीज़, ये तीन काफ़ी अरसे से बन रही हैं, मुझसे भी पहले से बन रही हैं, मार्केट में अवेलेबल है, इट्स एन इंडस्ट्रियल स्टफ। देखें, एक चीज़ याद रखें, जब हम इन चीज़ की बात करते हैं ना, मैं चीज़ मेकर हूँ, मुझे सब चीज़ मेकर से मोहब्बत है। ये जितनी भी कंपनियाँ हैं छोटी बड़ी, ये पाकिस्तान की कंपनियाँ, लव दैम ऑल, क्योंकि पाकिस्तान की कंपनियाँ, हमें बाहर से चीज़ मंगाने की बजाय अपनी कंपनियों को सपोर्ट करना चाहिए, इनको उठाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एम्फेसिस करूँगा कि देखें, पैसा कमाना हर चीज़ नहीं है, पैसा खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है ना। मेरा तो ये पैशन का काम था, मैं तो सोते जागते खाते पीते, अभी भी मुझे 10-12 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, एंड आई लव टू मेक चीज़, आई स्टिल लव टू मेक चीज़। जब मैं सो रहा हूँ तो आखिरी जो मेरे जहन में जो बात होती है सोने से पहले, वो चीज़ होती है। जब मैं जागता हूँ तो सुबह पहले टाइम, पहला जो मेरे जहन में फिक्रा होता है, या पहली जो चीज़ मेरे जहन में आ रही होती है, वो चीज़ होती है। ये मेरा रोमांस है, ये आई लव टू मेक चीज़, आई लव टू टॉक चीज़, आई लव टू शेयर माई नॉलेज विथ यू। जो मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है टूटी फूटी, वो मैं आपसे शेयर करूँ। और मैं एक बात करूँ, मेरी पूरी वीडियो देख लिया करें, वो इसलिए देख लिया करें, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, उन सारी बातों में कभी कभार मैं कोई अच्छी बात भी कर जाऊँगा, कोई ऐसी बात कर जाऊँगा जो आपको पसंद आ जाए, जो आपको कोई बेनिफिट दे जाए। तो ये जो तीन चीज़ें जो प्रोड्यूस होते हैं पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में, ये दो तीन तरीक़ों से प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर इनमें से ज़्यादातर देखें होता क्या, जब ये चीज़ बनती है, प्रोड्यूसर जो होता है इसमें से क्रीम निकाल लेता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्किन, स्किन मिल्क इज़ अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, उसका 1% होता है, 2% होता है, वट एवर इज़ द रेशो परसेंटेज, उस पर लिखा जाता है, बाकायदा बताया जाता है इतने परसेंटेज इतनी मशीन के साथ एक्सट्रैक्ट किया गया। वेयर एज पाकिस्तान में क्या होता है, दूध में से जितनी क्रीम निकल सकती है वो निकाल के बेच दी जाती है, बेकरी स्टफ है, कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर आइटम है, वो सारा बिक जाता है, तो पीछे रह जाता है वो लस्सी। अब लस्सी को दोबारा उसमें जो है वो पाउडर्स और वे पाउडर्स और
किसी कोई कोई कंपनियाँ ऐसी भी होंगी जो कि पाम ऑयल वगैरह भी डालती होंगी उसके अंदर, क्योंकि इसके जेनेटिक्स मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, प्रोडक्ट मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसकी चीज़ बनके मार्केट में आ जाती है। तो प्रोसेस फूड तो इस ईरा में वैसे ही ठीक नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ टिन पैक्स या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स, हर वो प्रोडक्ट जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिनमें केमिकल्स हैं, जिनमें ऑयल्स मिक्स हुए हुए हैं और जिसमें इस किस्म की नेस्टी एलिमेंट्स हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है तो वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे नहीं है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे नहीं है तो ये वाला जो ईरा है नाज़रीन, दोस्तों, लेडीज़, जेंटलमैन, ये वाला ईरा जो है ये नॉन प्रोसेस प्रोडक्ट्स का ईरा है। आपको अपनी जिंदगियों को चेंज करना होगा। वी हैव टू लर्न लिविंग विद दिस पेंडेमिक, विद दिस कोरोना वायरस। हमें सर्वाइवल के लिए और अपने हेल्थ के लिए, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि उन चीज़ों का इंतखाब करना पड़ेगा जो कि नॉन प्रोसेस हैं। अच्छी सब्जियाँ, अच्छा फल, अच्छा दूध, अच्छी दूध, अच्छा दूध नहीं, अच्छी दूध। इसलिए कि जब आप अच्छी क्वालिटी का दूध इस्तेमाल करेंगे या डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। उसमें प्रोबायोटिक्स होती हैं, उसमें गुड बैक्टीरिया होता है, उसमें जिंक होता है, उसमें और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, AB12, विटामिन ए, विटामिन के। ये सारी प्रोडक्ट्स, चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी दूध में और चीज़ में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इधर उधर की बाकी चीज़ों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। जब आप नॉन प्रोसेस आर्टिजनल चीज़ खाएंगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जब आप प्रोसेस फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड तो वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसमें आर्टिफिशियली इन चीज़ों को ऐड किया जाता है। सॉल्ट्स मिलाए जाते हैं, एमल्सीफायर्स मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, सोडियम मिलाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाई जाती है जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आप लोग टेस्ट के लिए पिज्ज़ा, बर्गर्स और इस सब की चीज़ें खाने के लिए ये सारी चीज़ें बना लेते हैं, कर लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स गिविंग यू नथिंग, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं, उल्टा ये आपको नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो जब आप बर्गर पैटी ले रहे हैं, एक आप बर्गर भी ले रहे हैं, एक तो बन है, बन वैसे कॉन्स्टिपेशन करता है क्योंकि वो सारा मैदे का बना हुआ है, फिर उसके ऊपर पैटी जो है वो प्रोसेस्ड मीट है, फिर उसके ऊपर जो चीज़ का वो जो स्लाइस पड़ा हुआ है वो प्रोसेस चीज है। आपको मालूम है ना, जो चेडर है, जो चेडर पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में जो स्लाइस फॉर्म में बिकता है, ये व्हाट इज दिस, इज दिस अ चीज, ये चीज नहीं है, ये पाम ऑयल है, कुछ चीज का पोर्शन और उसमें ढेर सारा ऑयल, वो इतने इतने बड़े बकेट्स होते हैं, ये कुकर होता है, उसके अंदर सारा तैयार होता है और ये प्रोडक्ट्स में फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह वगैरह क्या क्या चीज़ें डलती हैं, फिर जाकर ये एक प्रोडक्ट बनती है। सस्ती होती है, 1100 में, 800, 900, 1100, 1200 में मिल जाती है, तो वो हम बड़े खुश होकर खाते हैं कि हम चीज़ खा रहे हैं, हम चीज़ नहीं खा रहे हैं, हम पाम ऑयल खा रहे हैं। यही सिलसिला जो है वो पिज़्ज़ा वाले, जो अब आप जाते हैं किसी पिज़्ज़ा स्टोर पर या पिज़्ज़ा मंगाते हैं, वो हमसे भी सवाल करते हैं, जी आपके पास 70-30 है। अब 70-30, व्हाट डज 70-30 मीन्स, कि उसमें 70% मोत्रेला, 30% चेडर, क्योंकि वो चेडर पाम ऑयल की है, वो सस्ती है, वो उसके साथ मिक्स हो जाती है, वो मिक्स होकर उसकी प्राइस कम हो जाती है और वो चूंकि उसमें फ्लेवर्स मिले हुए हैं, उसका फ्लेवर अच्छा इन्हेंस हो जाता है, तो वो एक बिक जाती है, सारा कुछ बिक जाता है पाकिस्तान में। अब बात यह है कि आपने क्वालिटी, आपने पैसे खर्चने हैं। आपको मालूम है ना, जब आप गाड़ियाँ लेने जाते हैं तो सुजुकी का रेट जो है वो कुछ और है, सिटी का कुछ और है, करोला का कुछ और है, BMW का कुछ और है, लैम्बोर्गिनी का रेट कुछ और है। तो ये सस्ती है, वो महंगी है, ये क्यों है? गाड़ियाँ सब रोड पर चल रही हैं, मार्केट में दस्तयाब हैं। क्वालिटी आपको मालूम है, इसकी क्वालिटी क्या है? आपको मालूम है लैम्बोर्गिनी की या BMW की क्वालिटी क्या है? आपको इसलिए आप वहाँ पैसे खर्चते हैं, दैट्स वैल्यू ऑफ योर मनी, यू फील प्राउड टू सिट इन दैट, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने उस चीज़ के पैसे खर्चे हैं कि उसके गैस पे जो मुझे मिल रहा है, दैट्स वैल्यू ऑफ योर मनी। सेम हेयर, फार्मर चीज़ मेकिंग पर वेजिटेबल ऑयल्स नहीं इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर हम प्रिजर्वेटिव्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, पाम ऑयल्स और इस तरह की नेस्टी एलिमेंट्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये प्योर स्टफ है। सर्टिफाइड कंपनी से हम लोग दूध वगैरह लेते हैं, हम लोग ये आम साहिवाल का और इधर उधर का दूध लेके और जो भी अच्छा बुरा दूध मिल जाए उसको मिक्स करके हम चीज़ नहीं बनाते हैं कि उसमें से क्रीम अलग करें, हम लोग फुल फैट क्रीम चीज़ बनाते हैं। और ये जो फैट्स होते हैं ना, जहन में रखिएगा, लोग समझते हैं कि हम फुल फैट की चीज़ खाएंगे तो शायद हमारा वेट बढ़ेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। याद रखें कि जो फार्मर चीज़ है, जो आर्टिजनल चीज़ मेकिंग है, जो नॉन प्रोसेस चीज़ मेकिंग है, इसके अंदर वही एलिमेंट्स हैं जो दूध के होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इसको चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है विदाउट एनी सेपरेशन ऑफ क्रीम या कोई और के, राइट? तो जब हम इसमें से, जब हम ये फुल फैट बनते हैं तो इसके अंदर जो नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो नेचुरल बैक्टीरिया होता है, वो आपके जिस्म की ज़रूरत होती है, इसमें सैचुरेटेड फैट होते हैं। जब हम ये चीज़ बनाते हैं ना, तो याद रखें, जब हम ये चीज़ प्रोड्यूस करते हैं
तो उसमें से हम लोग वे को अलग कर देते हैं, प्रोटीन्स, वो जो वाइट स्टफ होता है ना प्रोटीन्स का, वो हम अलग कर देते हैं, उसकी चीज़ बनती है, कैसिन बोलते हैं उसको, और जो वे होता है, जो पानी होता है उसका, वो लस्सी जिसको बोलते हैं, वो अलग हो जाता है। ये जो एक प्रोसेस याद रखें कि जब ये वाइट, जब हम कल्चर्स मिलाते हैं और रेनेट मिलाते हैं, तो ये कल्चर जो होते हैं ये उस बैक्टीरिया पर, उस लैक्टोज पर फीड करता है, उसको लैक्टिक एसिड में तब्दील करता है, जिसकी वजह से ये सारा पानी फॉर्म हो जाता है। जैसे आप दही लेने जाते हैं, उसमें देखते हैं कि साइड पर पानी होता है, वो रियल स्टफ है। अगर अच्छे दूध का बना है, देर इज़ नथिंग लाइक दही। ये जो आप योगर्ट वगैरह मार्केट से लेके खाते हैं, ये तो सारा केमिकल से भरा हुआ है, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, ये तो आपका सिस्टम का और सत्यानाश मारता है। तो कोशिश करें सही दही लें। बहरहाल, चीज़ में ये सारा लैक्टोज निकल जाता है आर्टिजनल, और ये हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। जो प्रोसेस चीज़ है, उसमें जब ये वे एक्सट्रैक्ट होता है, इसका वे पाउडर बनता है, ये वे पाउडर दोबारा उसमें मिक्स होता है, और उसमें क्या होता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसमें से क्रीम निकल चुकी होती है, वे पाउडर आ चुका होता है, और मज़ीद उसमें इंग्रेडिएंट्स और जो भी चीज़ें उसमें फ्लेवर्स जो भी डालना है उसमें डालकर उसमें से वो प्रोडक्ट निकलती है जो मार्केट में मौजूद है ब्लॉक्स की सूरत में और बेशुमार और स्टाइल्स के साथ, और आप लोग ले जाते हैं वो अच्छे कवर्स पढ़कर और देखकर, आप समझते हैं हम चीज़ खा रहे हैं। तो ये नहायत इन्फीरियर क्वालिटी, वो कोई स्टैंडर्ड और क्वालिटी नहीं है। फार्मर चीज़ आप यकीनन कह सकते हैं कि शायद थोड़ा बहुत बाकियों से महंगा होता हो, उसकी वजह सिंपल है, हम लोग क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम लोग मिल्क क्वालिटी भी, हमारी वन ऑफ द टॉप बेस्ट ग्रेड क्वालिटी मिल्क आते हैं सर्टिफाइड कंपनीज के साथ। महंगे तरीन दूध हम लोग लेते हैं, महंगे तरीन हम लोग माइक्रोबियल रेनेट इंपोर्ट करते हैं, महंगे तरीन हम लोग कल्चर्स, उसके स्ट्रेन्स, उसके थर्मोफिलिक और उसके मीजोफिलिक स्ट्रेन्स हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट जब आप तक जाएँ तो आप, और फिर उसके बाद हम लोग जो हाइजीन लेवल्स हमने मेनटेन किए हैं, आपको मालूम है मेरे लड़के जो है ना मुझसे बात बड़ा इरीटेट और तंग होते हैं, हालांकि मोहब्बत मुझसे बड़ी करते हैं, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, मेरी टीम है, ट्रेन स्टाफ है, हर एक बंदे का ना एक सेगमेंट, उसको मालूम है मैंने क्या करना है, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं मालूम। एक टीम को पता है मैंने क्या करना है, दूसरी टीम को पता है क्या करना है, तीसरी टीम को क्या करना है, ये एक चेन वर्क होता है। और हम शाम तक, और जिस तरह हम उनके पीछे होते हैं, उनकी हाइजीन, उनकी क्वालिटी, उनका जो भी उनकी मूवमेंट्स हैं, उनकी लीन मैनेजमेंट है, उनको मॉनिटर करना, हमारे पास नहायत शानदार, नहायत आला किस्म के हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, और क्वालिटी कॉन्शियस टीम है मेरे पास। तो हम लोग एक एक बात का ख्याल रखते हैं। अभी हम बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं, वहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ प्रोड्यूस करके पूरे पाकिस्तान में इसलिए देना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ, मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान को मैं एक चीज़ प्रोड्यूसिंग और चीज़ एक्सपोर्टिंग कंट्री में तब्दील करूँ, और वो चीज़ हो जो कि दुनिया भर में खाई जाती है, वो चीज़ ना हो जो इंडस्ट्री पैसा कमाने के लिए ढेर सारी बना के और पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल्स और इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ आपको खिला दी जाए, वो मैं नहीं चाहता हूँ। वो मेरा कभी भी नहीं था ख्वाब, ना है, वो मैं अब भी कर सकता हूँ, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं बहुत बड़े पैमाने पर ये सब कुछ कर सकता हूँ। आई एम अ चीज़ गुरु, आई एम अ चीज़ विजर्ड, मैं ये सारा कुछ कर सकता हूँ। चीज़ मेरे हाथ में, दूध मेरे हाथ में आता है, चीज़ में तब्दील हो जाती है, मेरे लिए सब कुछ करना बहुत आसान है। I was made to make cheese. I love to make cheese. मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है, मेरी अपनी क्वालिटी है, मैंने वो क्वालिटी देने आपको। तो देखें, हमारा फ़र्क वही है, आप BMW खरीदना चाहें आपकी मर्ज़ी, आपने सुजुकी खरीदनी है आपकी मर्ज़ी है, या आपकी जेब पर, आपकी हेल्थ पर, आपका, आपके अपने डिसीजंस पर डिपेंड करता है। मेरा काम आप तक अवेयरनेस पहुंचाना है, क्योंकि आप मेरे लोग हैं, ये मेरा मुल्क है, मुझे उन सारी कंपनीज जो लोग बना रहे हैं चीज़, मुझे उनके लोग हैं, मेरी कंपनियां हैं, हर बंदा प्रोसेस चीज़ नहीं इस्तेमाल करेगा, हर बंदा नॉन प्रोसेस चीज़ नहीं इस्तेमाल करेगा। मैं तो अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखें, चीज़ खाएं, आपने फैसला करना है, मैंने नहीं करना। शेल्फ़ में मेरी चीज़ भी मौजूद है, फार्मर चीज़ भी मौजूद है, शेल्फ़ में XYZ भी मौजूद है, चॉइस आपकी है। हमारी नॉन प्रोसेस है, दैट्स वेरी सिंपल। हम लोग हैंड क्राफ्टेड बनाते हैं, नॉन प्रोसेस बनाते हैं, फुल फैट बनाते हैं, हमारी चीज़ हम दावे के साथ कहते हैं, हमारी, आपके गूगल करें नॉन प्रोसेस आर्टिजनल चीज़ के बारे में, हम लोग जो आपको चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स, ज़ीरो कार्ब्स, ज़ीरो शुगर, वाइटामिन AB12, प्रोटीन्स, जिंक, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, फुल ऑफ दैट, फुल बेनिफिशियल। जब आप उसमें से 100 ग्राम खाते हैं या आपके बच्चे 100 ग्राम चीज़ खाते हैं, दे आर इन टेकिंग 8 to 10 ग्लास ऑफ मिल्क इन दैट 100 ग्राम चीज़। जी हाँ, एंड इट्स नॉट फुल ऑफ सोडियम, इट्स नॉट फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव, इट्स नॉट फुल ऑफ, तो आप हेल्थ, इट्स टोटल हेल्थ जब आप खा रहे हैं, तो वो 100 ग्राम, दैट्स वैल्यू ऑफ योर मनी, दैट्स वैल्यू ऑफ योर हेल्थ। फार्मर चीज़ मेकिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि हमारा ऑलिव फार्म भी है, हम लोग ऑलिव ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कि सिर्फ इटली या स्पेन में प्रोड्यूस होता है, हम पाकिस्तान में वो भी खा रहे हैं, वो कि छोटे पैमाने पर है लेकिन हमारे पास मौजूद है। अगेन, जितना भी मार्केट में स्टफ मौजूद है सारा प्रोसेस्ड है,
उन पर भी मैं हैरान होता हूँ बासफा देख करके, इंग्रेडिएंट्स में वहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वर्जिन एंड दैट्स नॉट एक्स्ट्रा वर्जिन, उनमें से अक्सर पॉमिस हैं या उसमें मिक्सिंग हुई हुई है, वो तो जानवरों को खाद में डाल के खिलाने वाले उनके मुल्कों में ये वाले ऑयल्स हैं वो हमें खिलाए जाते हैं। बहरहाल अच्छी बात ये है आज हमने शुरू किया हुआ, कुछ ऑलिव ऑयल आप लोगों को दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, ऐसा ऐसा बढ़ता चला जाएगा और भी लोग आते रहेंगे इस काम के अंदर, ये बढ़ेगा तो पाकिस्तान में अपना ऑलिव ऑयल मिलेगा। ऑलिव ऑयल भी है, चीज़ भी है। मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक कोशिश है कि मैं 2025 तक पाकिस्तान को एक चीज़ प्रोड्यूसिंग एंड चीज़ एक्सपोर्टिंग कंट्री में तब्दील करने की कोशिश करूँ। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मुझे आपकी दुआओं आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, मेरा एम्बिशन बड़ा है, मेरा टारगेट बड़ा है, मैं अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इस बात की यकीन की कोशिश करूँगा कि जो भी लोकली भी चीज़ प्रोड्यूस हो, हम करें कोई करें एक्स वाई जी, उन पर इंग्रेडिएंट्स जेन्युइन होने चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस है कंपनीज़ को भी, अथॉरिटीज़ को भी, शेफ्स को भी, रेस्टोरेंट्स को भी। रेस्टोरेंट के नज़दीक चीज़ चीज़ है, उसने आपसे एक पैसे लेने हैं उस डिश के जो वो बेच रहा है आपको, वेरी एक्सपेंसिव मार्केट से जाके उसने चीज़ ले देनी है, उसने भी वही 20 रुपये वाला स्लाइस आपको डाल के खिलाना है 2000 की डिश पर, और आम बर्गर वाले ने भी वही जो है स्लाइस डालकर आपको 50 या 100 या 200 रुपये का बर्गर दे देना है, क्योंकि दोनों ने पाम ऑयल खिलाना है आपको, वो आपको चीज़ नहीं खिला रहे हैं, और ये चीज़ नहीं है, चीज़ इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखें, हम जब चीज़ में आते हैं ना मच्योर, तो हमें हमारे लिए हमारे बेबीज़ हैं, हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, हमें उनका डेट ऑफ प्रोडक्शन लिखनी होती है कि इस टाइम पर हमने ये चीज़ प्रोड्यूस करके रख दी है, हमारे केव्स में वो लगी रहती है फ्रॉम, और फिर हमें उसकी बेबी सिटिंग करते हैं फ्रॉम 2 months, इट कैन गो अप टू 6 months, 7 months, 8 months, 10 months एंड समटाइम इवन 1 year, हमने उसकी बेबी सिटिंग करनी है उसके जेनेरिक्स के मुताबिक, उसकी फैमिली के मुताबिक, कि वो चेडर है, पार्मेसान है, मॉन्ट्री चैक है, पेपर चैक है, वो कौन सी चीज़ है उसके मुताबिक हमने आपको चीज़ देनी होती है। इसी तरह जब हम कॉटेज चीज़ या उसकी बात करते हैं जो लोकली ये कॉटेज चीज़ बनती है, तो उसमें भी यही कहानी है कि उसमें से क्रीम अलग कर ली गई, उसके बाद वे पाउडर डाल दिया गया, मिल्क पाउडर डाल दिया गया, अब वो सस्ती पड़ गई है, और उसके वो ट्राइंगल्स, और उस पर आप कभी देखें अक्सर के ऊपर आपको इंग्रेडिएंट्स भी नहीं नजर आएंगे, तो वो इन्फीरियर स्टफ हम मार्केट में उसके ऊपर मज़े के साथ लिख भी देंगे लो फैट, ठीक है, उसमें लो फैट भी लिख देंगे। कभी किसी ने ना अथॉरिटीज़ ने देखा है ना कभी आप लोग गौर करते हैं कि लो फैट किस स्टैंडर्ड पर है, वो कौन सा स्टैंडर्ड है लो फैट का, क्या वहाँ परसेंटेज लिखी हुई है कि कितने परसेंट स्किम मिल्क इस्तेमाल किया गया है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कि कौन सी क्वालिटी का मिल्क है, कौन सा ट्रेडमार्क है, क्या है, चीज़ बड़ी हुई है उठाना है, क्योंकि अक्सर हम में से क्या होता है, हम अपने मुलाजमों को भेज देते हैं जो वहाँ से 4-6 उठा के ले आओ, वो जाता है उस गरीब को पता ही कुछ नहीं है, वो यूँ उठाएगा जो वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर खड़ा होगा, जो उसने पकड़ा दी उसने उठाना है और ले जाना है, चीज़ मोज़रेला हो कुछ भी हो, जो उसको पकड़ा दिया गया बोले आपने भी नहीं देखना, आपने खोलना है उसको डालना है इन्जॉय करना है। लेकिन देखिए ये जो इरा है ना, ये पेंडेमिक का इरा है, यू शुड बी वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस, आपको अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, आप फार्मर चीज़ की बात नहीं है कि आप FCM ही खरीदें, हम मुझे बड़ी खुशी होगी आप खरीदें, इसलिए खरीदें कि हम लोग अच्छी चीज़ बनाते हैं, हम क्वालिटी पर काम करते हैं, वी डू नॉट कम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। हाँ, हमारी प्रोडक्ट में ये ज़रूर हो सकता है कि आप तक पहुँचते हुए उसमें मिसहैंडलिंग की वजह से इवन इधर ऑन द स्टोर या आपकी अपनी गाड़ी में, गर्म गाड़ी में वहाँ तक पहुँचते हुए आपके घर तक, क्योंकि गर्मियाँ हैं, या किसी और वजह से वहाँ पर कोई अगर उसकी फ्लेवर में टेस्ट में कुछ चेंज हो गया और आप तक पहुँच गया, तो गिव अस अ कॉल। हमारा एक जो है, देखें हम लोग प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते, हम लोग केमिकल्स नहीं डालते, हम लोग उसमें कोई नास्टी एलिमेंट्स नहीं डालते, तो अगर कोई ऐसा इशू है जस्ट गिव अस अ कॉल, हमारे नंबर है, आप हमारे नंबर पर कंप्लेंट करें, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन कंप्लेंट हमें 24 आवर्स टू 48 आवर्स में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक महीने बाद या 15 दिन बाद कंप्लेंट करें, दैट डजंट मेक नो सेंस, लेकिन अगर आप हमें 48 आवर्स के अंदर में कंप्लेंट कर देंगे, हम आपका इशू रिजॉल्व करेंगे, हम आपको रिप्लेसमेंट भेजेंगे, आपको दूसरी चीज़ देंगे, खुद आके आपसे देंगे आपके घर में, और आपसे एक्सक्यूज करेंगे, बेशक आपने स्टोर से ली हुई हो, बेशक कहीं से भी ली हुई हो, क्योंकि हमें मालूम है कि यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ योर मनी, आपके पैसा कीमती है, आपकी सेहत कीमती है, और हमें खुशी है आप तक चीज़ पहुँचाकर। मैं चाहता हूँ आप हमेशा हमारी ठीक प्रोडक्ट खाएं, आपको गलत प्रोडक्ट, किसी भी गलती हो, हमारी हो, आपकी हो, शॉपकीपर की हो, किसी की भी हो, आप तक ठीक पहुंचनी चाहिए चीज़, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसी तरह हम लोग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मुझे बेशुमार ऑफर्स आती रहती है, इंग्रेडिएंट्स की आती रहती हैं, इंग्रेडिएंट्स के लिए भी आती रहती हैं, दूध की आती रहती है, हम साहिवाल से दूध लें तो हमें 40-50 रुपये लीटर दूध के हिसाब से, 55 रुपये के लिहाज से हमें मिल जाता है, हमारा इतना दूध लगता है, 3-4 हज़ार लीटर रोज़ दूध लगता है, आगे हम जो अपना सेटअप लगा रहे हैं वो 20,000 to 40,000 लीटर्स मिल्क अ डे इतना हमारा लगना है। तो जब इस पर
कमाई होती है, इस पर पैसा कमाया जाता है। हम वहाँ जाके सहीवाल से दूसरी जगहों से जब दूध लें, हमने कलेक्शन सेंटर बनाने हैं, दूध देना है 40, 50, 55 जहाँ पर हमारा तय हो गया हम उठाना है, लेकिन वो दूध हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी हैं, जिसमें वो सब कुछ जो आप पढ़ रहे होते हैं, जो फूड अथॉरिटी वाले पकड़े होते हैं, भा दिया दूध या कर दिया, वो सारा वो दूध है, उसकी भी चीज़ बन जाती है। ये मार्केट करवा रहे हैं हम लोग, जो नई फैक्ट्री बना रहे हैं, जो नया प्लांट बना रहे हैं, हमने उसमें सारे स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको पूरे करने हैं, सारे सर्टिफिकेशंस, हलाल सर्टिफिकेशंस, हैसप, ISO, ये सब हम कर रहे हैं वक्त के साथ साथ। ये इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा, आप सब कुछ आपके सामने रख देंगे। कहने का मकसद ये है कि अच्छी खुराक खाएँ, अच्छा खुराक खाएँ, ख़ुद भी खाएँ, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। फार्मर चीज़ मेकिंग आपके लिए हमेशा आपकी खिदमत के लिए अच्छी प्रोडक्ट्स बनाता रहेगा। हमने स्टैंडर्ड्स पर, क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमने आपको अच्छी चीज़ देनी है और हमने आपको पुश करना है कि अच्छी चीज़ खाएं। क्यों? क्योंकि आई लव टू मेक चीज़। आई लव यू ऑल। पाकिस्तान पाइंदाबाद।